झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने आज दिन भर समीक्षा बैठक की। पहले राज्य के पुलिस अधिकारी और राज्य के अलग अलग जिलों के जिला अधिकारियों के साथ बैठक हुई। पहले तो कानून व्यवस्था पर चर्चा हुई, उसके बाद सेकेंड हाफ में राज्य सरकार के जितने मंत्री हैं वो बैठक में शामिल हुए और राज्य के तमाम अधिकारियों, जिला अधिकारी और मंत्रालय में बैठे तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में अलग अलग मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद जब मैंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से ये सवाल किया कि चुनाव खत्म होने के बाद राज्य के युवा पूछ रहे हैं कि क्या सरकार अब राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी देगी, क्योंकि राज्य में लाखों की संख्या में सरकारी पद खाली पड़े हैं और जितनी भी वैकेंसियां निकलती है वह किसी कारण रद्द हो जाती है। इसके जवाब में चंपई सोरेन ने कहा कि कल से ही नियुक्ति प्रक्रिया जो है वो तेज़ हो जाएगी। आप सब जानते हैं कि JSSC CGL को लेकर लगातार छात्र जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये सवाल भी मैंने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से पूछा तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि उसके बारे में पूरी जानकारी लेकर और फिर से कैसे परीक्षा कराई जाए या उसमें क्या कुछ किया जा सकता है कि इस पर भी सरकार सोचेगी और जल्द ही काम करेगी। जब मैंने पूछा कि आखिर कितने संख्या में नियुक्ति होने जा रही है तो उन्होंने कहा कि बहुत अधिक संख्या में नियुक्ति होने जा रही है। तमाम विभाग को कहा गया है, कार्मिक विभाग को कहा गया है कि अलग अलग विभागों से वह सूची तैयार करें कि आखिर किस विभाग में कितनी वैकेंसी है, सीटें हैं, और उस हिसाब से अलग अलग पदों के लिए वैकेंसियां निकाली जाएगी और अधिक से अधिक युवाओं को नौकरी दी जाएगी। आप सब जानते हैं कि झारखंड में 2019 के बाद जैसे ही हेमंत सोरेन की नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले हेमंत सोरेन जब चुनावी मैदान में थे तब उन्होंने वादा किया था कि हर साल 5 लाख युवाओं को जो है नौकरी और रोज़गार देंगे और ये मुद्दा अक्सर उठते रहता है और इस चुनाव में भी ये मुद्दा कहीं ना कहीं उठा। हालांकि चुनाव में ये भी मुद्दा उठा कि BJP की जो सेंट्रल में सरकार है वो हर एक साल 2 करोड़ नौकरी दी थी, यहाँ की सरकार ने कहा था कि हर साल 5 लाख नौकरी देंगे, तो इसलिए दोनों मुद्दे आमने सामने टकराए। लेकिन अब चूँकि आने वाले 6 महीने में झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है तो सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है और यही वजह है कि चुनाव परिणाम आने के कुछ ही दिन बाद अब सरकार फिर से रेस हो गई है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन कह रहे हैं कि कल से ही नियुक्ति प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी, अलग अलग विभागों से जो सूची है वो मंगाने की प्रक्रिया तेज़ हो गई है और उसके बाद नियुक्ति का क्रम जो है वो तेज़ होगा। JSSC CGL को फिर से कंडक्ट कराने को लेकर आज JSSC कार्यालय के बाहर स्टूडेंट जुटे भी थे और वहाँ से उन्होंने सरकार तक ये मैसेज भेजा है कि आप युवाओं के बारे में सोचिए, युवाओं को नौकरी दीजिए और ख़ास करके JSSC CGL जो राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है और सरकार ने जब इसकी वैकेंसी निकाली तो अब तक झारखंड में सबसे अधिक वैकेंसी यही CGL में ही निकली, जिसकी परीक्षा 2016 के बाद से लेकर अब तक नहीं हो पाई है। तो अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस तरह से बयान दिया है उस बयान को अगर सच माना जाए तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में बहुत सी वैकेंसियां निकलने वाली है। सरकार नियुक्ति करने के मूड में है क्योंकि सरकार को पता है कि चुनावी मैदान में जब वो जाएंगे तो भले ही अभी लोकसभा के चुनाव में 5 ST रिजर्व सीट इंडिया गठबंधन ने जीत लिया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में सरकार के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और यही वजह है कि अब सरकार का फोकस झारखंड के बेरोजगार युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने पर रहेगा और उसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। कल भी समीक्षा बैठक रखी गई है और उस समीक्षा बैठक में अलग अलग विभागों की समीक्षा होगी, उसके बाद क्या कुछ बयान आता है वो भी हम अपडेट करेंगे। नियुक्ति और नौकरी को लेकर आज भी आंदोलन स्टूडेंट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे चुनाव के बाद सरकार को। नहीं, अभी नौकरी बहाली हम लोग का कल से प्रक्रिया शुरू हो जाए। सर, कितनी नियुक्ति होने वाली है आपके? अभी जैसे शिक्षक का 26,000 है, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय भाषा, उसका भी नियुक्ति होगा, सिपाही बहाली भी, एक्साइज विभाग में भी बहाली होगा, सब हम लोग शुरू करने। सबसे बड़ी परीक्षा जो JSSC CGL उसको लेकर जो SIT गठन करके हम लोग को जांच करा उसका भी हम कल रिव्यू करेंगे, कहाँ तक क्या हुआ, हर कमी को दूर करेंगे और आज तेजी से काम कर आगे बढ़ेगा। सर, अभी कैसा काम?
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार, 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स, 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in